हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से स्टार्ट होगा तहलका ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगा वेक्टर। वेक्टर का ये पार्ट फर्स्ट है और तहलके के साथ पढ़ाएंगे, टेंशन बिल्कुल भी ना लो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज का सेशन बहुत ज्यादा होगा शानदार, बिल्कुल तगड़े तरीके से। तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले मैं वेक्टर का वन लेक्चर लिया था, इसके जितने भी आपके टाइप ऑफ वेक्टर थे वो मैंने सारे बता दिए थे, टेंशन ना लेने का। अब उसी टाइप ऑफ वेक्टर पे आप समझे कि नहीं, उस पर सीधा ठोका गया क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर एक पेपर में पूछा आता है। देखिए, इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द फ्लोइंग वेक्टर्स, बोल रहा है कि इस फिगर में आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा वेक्टर है। देखिए, को इनिशियल वेक्टर, कोलिनियर बट नॉट इक्वल और इक्वल वेक्टर। तो देखिए आप सबसे पहले करेंगे क्या, को इनिशियल, जहां से आपका वेक्टर इनिशिएट होता है, इनिशिएट मतलब वहीं से निकलता हो। तो देख लीजिए, मान लीजिए दे दिया ए वेक्टर दे दिया गया, ये बी वेक्टर दे दिया गया, ये सी वेक्टर दे दिया गया, ये डी वेक्टर दे दिया गया, ठीक है ना। अब आपसे पूछ ले को इनिशियल वेक्टर कौन होगा। तो भैया देखिए, यहाँ ये इनिशियल हो रहा है, दो पॉइंट पे इनिशियल हो रहा है, कहाँ कहाँ पर मेरे भाई। देखिए, ए का जो इनिशियल कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एक हो रहा है, एक डी हो रहा है, और एक आप क्या हो रहा है, एक ए हो रहा है। यही से ओरिजिन से पास हो रहा है डी और ए। तो आपका पहला का जो आंसर को इनिशियल वेक्टर के क्या हो जाएगा, ए एंड डी। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, जो बोल रहा है कॉलिनियर बट नॉट इक्वल, कॉलिनियर बट नॉट इक्वल की बात कर रहा है यहाँ पर। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी भी आएंगे उसे आप हटा के स्टडी पे फोकस करो मेरे दोस्त। तो देखिए बी में देखिए कॉलिनियर बट नॉट इक्वल, तो यहाँ पे कॉलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं, देखिए ए और सी देखिए आपस में क्या है, इक्वल नहीं है लेकिन कॉलिनियर है। तो आप ध्यान रखो दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो बी का क्या हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। देख रहे हो ना, ध्यान से देखो, इसका डायरेक्शन इस तरफ है और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ये कॉलिनियर है लेकिन क्या है, वेक्टर इक्वल नहीं है, ये तो ध्यान में आ गया। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की, इक्वल वेक्टर की। तो इक्वल वेक्टर आप कैसे फाइंड करोगे, तो देखो दोस्त, दोनों उसका डायरेक्शन ना सेम डायरेक्शन होगा, सीधा बोलूं सेम डायरेक्शन में वो वेक्टर पास करेगा, उसी को बोलेंगे इक्वल वेक्टर। तो इक्वल कौन है ए में, देख लो यहाँ पर आपका जो सी में होगा इक्वल वेक्टर, एक डी है और एक बी है, बाकी सब नहीं है, एक डी है, एक सी है, बाकी सब नहीं है। तो आप याद रखना सी का डी और बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आपके सारे पेपर जितने भी दोगे ना, वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, इफ ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी कोई एक रोम्बस है, एंड हुज डायगनल कट एट ओरिजिन, ओरिजिन पे कट हो रहा है इसका डायगनल, ठीक है। उसके बाद देन ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, मतलब बोल रहा है ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा मेरे भाई। तहलके के साथ सिखाऊंगा, पूरे पेपर में फोड़ोगे, टेंशन ना लो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू को यही उड़ा के बाहर फेंक देते हैं, हमें उतनी टेंशन ना लेनी, क्वेश्चन को उड़ा देना सीधा। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये रोम्बस है, अब पहले एक देख लो, एक डीसी देख लो, आपका जो ओबी है, ओबी है, ओबी का डायरेक्शन से क्या अपोजिट डायरेक्शन में है ना मेरे भाई। देखो यहाँ पर एरो ऐसे दे रखा है, एरो यहाँ पर ऐसे दे रखा है, ऐसे देखो ऐसे एरो दे रखा है मेरे दोस्त। अब बताओ आप ओबी है, ओबी किसके निगेटिव डायरेक्शन होगा ना, ओडी के किसी एक का लोगे, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है दोनों के, तो उसको निगेटिव ले लिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद अगर ओए दे रखा है तो ओए निगेटिव होगा किसके, ओसी के होगा। दोनों पैरेलल बराबर है मगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ओए प्लस ओबी प्लस ओ सी प्लस ओ डी इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, तो आप दिमाग लगाओ ना, थोड़े से दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो अब दोनों इक्वल है, आप ओ ए के जगह लिख सकते हो ना, ओ ए के जगह ओ सी लिख सकते हो ना मेरे भाई, ओ सी लिखेंगे, हाँ गुरुजी ओ सी लिख सकते हैं, तो लिखो ना, तो ये निगेटिव हो जाएगा मेरे भाई। अब बात करते हैं ओबी की, तो ओबी के जगह ओडी लिख सकते हैं, हाँ सर, लेकिन निगेटिव हो जाएगा ना, तो निगेटिव मैंने लिख दिया। अब बात करेंगे ओसी के जगह, तो गुरुजी ओसी के जगह हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, माइनस ओए लिख सकते हैं, माइनस ओए, ओसी की जगह ओसी को ओसी ही छोड़ दो, क्योंकि ओसी की जगह मैंने ले रखा है मेरे भाई। देखो ओसी ओसी को ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। उसके बाद बात करते हैं ओडी की, तो ओडी ओडी क्या हो जाएगा, ओडी का ओबी है लेकिन हमने ओबी को ले रखा है, ओबी को मैंने लिया है, तो ओडी को ऐसे ही छोड़ देंगे। देखो कट गया सारा, जीरो हो गया। तो जब भी इतना नहीं सोचना है मेरे भाई, इतना भी नहीं सोचना है। आप देखो ट्रिक्स के साथ कैसे तहलका मचाते हो, इतना समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर भी फोड़ सकते हैं हम लोग, देखो कैसे
कैसे फोड़ेंगे? बिल्कुल तहल के तरीके से फोड़ेंगे मेरे दोस्त। देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये सब पूरे इरेज करता हूं। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, देखो इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, मतलब ओबी से कट जाएगा क्या ओडी, ये दोनों रफ रफ कर देंगे क्योंकि दोनों बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है नहीं है, इसलिए हटा देंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और ओए को रफ रफ नफ कर देंगे कि से इससे कर देंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं ओबी इधर है, इधर माइनस ओडी है, ये है और ओए है, और इधर क्या है, इधर माइनस ओसी हो जाएगा। तो अब तीनों को ऐड कर लो, जब सबको ऐड करोगे ना तो वही हो जाएगा OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD इज इक्वल टू जीरो। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, सीधा ठोक वाला ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, ट्रिक्स भी है, सॉल्यूशन भी है, तालका भी है, गर्दा उड़ा देंगे ऐसे क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। ये क्वेश्चन में सीबीएसई में ना जाने कितनी बार इस ऐसे प्रश्न को ठोका गया मेरा दोस्त, और प्रीवियस ईयर है, पता है किसका, एयरफोर्स नेवी एनडीए कोस्ट गार्ड का, फिर भी हम सीखना तो नहीं छोड़ेंगे, हम फोड़ेंगे इसको गुरुजी। आप क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, कितना हो जाएगा इसका, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर थ्री को ऐसे फ्री करेंगे ना, कभी जीवन में क्वेश्चन नंबर थ्री फिर से रिटर्न नहीं आएगा। तो देखो यहां पर देखो मेरे भाई, पी है, ए है, बी है, और ये क्या है, ये सी है, ये ऐसे डायरेक्शन दे रखा है, और क्या रखा है, ये दोनों इक्वल है। अब देखो कैसे फोड़ते हैं, तगड़े तरीके से ना फोड़े ना, तो नाम चेंज कर देना मेरे दोस्त। तो देखिए यहां पर सबसे पहले लिखेंगे, पता है क्या, पीसी इज इक्वल टू एपी प्लस एसी, लिख सकते हैं ना। देखो ये पीसी है ना, ये पीसी बहुत ही चालाक है, वो बोलता है तुम दोनों जुड़ जाओ, एबी प्लस एसी को जोड़ दिया पहला इक्वेशन। अब दूसरे इक्वेशन में जैसे आएंगे, पीसी इज इक्वल टू पीबी प्लस बीसी, अब ये दोनों इक्वेशन हो गया। अब दोनों को जोड़ो ना, दोनों को जोड़ोगे ना, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, 2PC हो जाएगा। अब देखो AP प्लस BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC प्लस BC। अब देखो मेरे भाई, अब ध्यान से देखो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है AC, ये दोनों कट जाएंगे मेरे भाई, ये दोनों को कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2PC, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, AP प्लस PB। देखो यही है, ये दोनों कट जाएंगे, उसको हटा देंगे, फेंक देंगे बाहर, क्योंकि वो कट जाएगा तो आपका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो ना, इजी क्वेश्चन है, बस बसरते दिमाग थोड़े से लगाओगे क्वेश्चन को ठोक दोगे। अब क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं, और इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं इसको इरेज करूंगा। क्वेश्चन नंबर फोर को तहल के तरीके से बताऊंगा, एक सेकंड में उड़ाओगे आप, एक सेकंड में, टेंशन ना लो। ये क्वेश्चन भले ही आसान हो मगर कितनी बार पेपर में डायरेक्ट पूछा गया है मेरे भाई, सीधा पूछा गया है। तो देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर को हम फोड़ेंगे। देखिए, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, बोल रहा है 5R। कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा पूछे ना सबसे मल्टीप्लाई करना, सिंगल मल्टीप्लाई किसी से ना होगा मेरे भाई, सबसे मल्टीप्लाई करनी होती है। तो लिखना 5AI कैप प्लस 5BJ कैप प्लस 5CK कैप, और यही आपका राइट आंसर होगा। कुछ नहीं करना, फोड़ देना है सारे क्वेश्चन को। दोस्त अगर ये वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल ठोकते हुए जाना है, और कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और याद रखना मेहनत इतने करने है ना, जिगर से जहन तक उतार दूंगा वेक्टर, टेंशन ना लो। जितने भी लेक्चर चाहिए बोलो, इतने शॉर्ट लेक्चर आपकी वजह से लेता हूँ क्योंकि आप देखते नहीं हो, पूरा देख के जाना, और मेहनत ना यहाँ से निकाल के ना, मेहनत पसीने की तरह निकालूंगा। और याद रखना वर्दी में ताकत इतनी है ना, जिगर में उतार के रहेंगे, वर्दी पहना के रहेंगे, मेहनत इतनी करनी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, मेहनत करने की जिद है।